नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज बायोस्कोप। इस वक्त हम मौजूद हैं कोरोना अपडेट के साथ। झारखंड में पिछले 24 घंटे में लगभग 3800 कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मरीज जो हैं वो सामने आए हैं, और राजधानी रांची की अगर बात करें तो तकरीबन 1400 के करीब राजधानी रांची से शामिल हैं। पूरे राज्य की अगर हम बात करें तो 3 लोगों की मौत जो है कोरोना की वजह से हुई है। ऐसे में संक्रमण की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन अभी भी 3000 से अधिक संक्रमित पूरे राज्य से सामने आ रहे हैं। ऐसे में सावधानी की और ज़रूरत है। हालांकि झारखंड सरकार के द्वारा जो कोरोना पर काबू पाने के लिए गाइडलाइंस जारी किया गया था वो 15 जनवरी तक के लिए ही किया गया था। आज सरकार के द्वारा फिर से एक बार इस पाबंदियों को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है कि आज ही होगी, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आज जो है यह गाइडलाइंस सरकार की तरफ से फिर से एक बार जारी की जाएगी, अवधि बढ़ाई जाएगी। जो पाबंदियां हैं वही जारी रहेगा। तो अब कोरोना संक्रमण के रफ्तार में जो कमी आई है उससे ये लगता है कि झारखंड में जिस तरह से पाबंदियां वर्तमान में हैं उससे संक्रमण पर काबू पाया जा सकता है और इसी को कंटिन्यू किया जा सकता है। आपदा प्रबंधन की बैठक अगर होती है तो गाइडलाइंस सामने आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल इसके लिए इंतज़ार करना होगा। सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सुविधाएं जरूर बढ़ाई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री लगातार पूरे स्थिति पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सदर अस्पताल समेत राज्य के 7 ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत मुख्यमंत्री ने कुछ ही दिनों पहले की है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर में लोगों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा था, ऑक्सीजन के लिए परेशान होना पड़ा था, बेड की कमी देखने को मिल रही थी, ऐसे में तमाम वो तैयारियां जरूर की गई है कि अगर तीसरी लहर आती है तो लोगों को इस तरह से परेशान ना होना पड़े, भटकना ना पड़े स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। वहीं अभी अधिकतर लोग अपने घर में होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। रांची के रिम्स ट्रामा सेंटर में और सदर अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार अभी किए जा रहे हैं। 80 के लगभग रिम्स में इलाजरत हैं और 35 के करीब सदर अस्पताल में इलाजरत हैं। तो कोरोना संक्रमित जो गंभीर रूप से मरीज़ हैं उनको ही अस्पताल में अभी भर्ती कराया जा रहा है। जो सामान्य मरीज़ हैं वो अपने घरों में होम आइसोलेशन में सरकार के द्वारा जो कोविड किट दिया जा रहा है उससे भी दवा ले रहे हैं, अपने तरफ से भी दवा खा करके लोग ठीक हो रहे हैं। लेकिन अभी भी सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि अगर थोड़ी सी लापरवाही बढ़ेगी तो फिर संक्रमण का रफ्तार तेज़ होगा और राज्य में तीसरी लहर में लोगों को मेडिकल सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ेगा। जिस तरह के हालात अभी हैं ऐसे में सब कुछ संतुलन में दिखता है, लेकिन थोड़ी सी चूक जो है वो भारी पड़ेगी और फिर अफरा तफरी की स्थिति होगी। हालांकि प्रधानमंत्री ने जब सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से कोरोना की स्थिति का जायज़ा लिया था तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें आश्वस्त किया है कि पूरी तैयारी फिलहाल कर ली गई है और इसीलिए तीसरी लहर में किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। कोरोना के मामले अगर बढ़ते हैं तो उससे भी निपटने के लिए सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन जो नए वेरिएंट हैं ओमिक्रॉन उसकी पहचान या फिर और भी कोई वेरिएंट अगर आता है तो उसके पहचान के लिए जो मशीन झारखंड में फिलहाल नहीं है जांच के लिए उसे मंगाने की कवायद तेज़ कर दी गई है। जल्द से जल्द उस मशीन को भी इंस्टॉल कराया जाएगा। केंद्र से भी इसके लिए सहायता मांगी गई है कि जल्द से जल्द वो उपलब्ध कराया जाए। साथ ही जो राज्य के मेडिकल अस्पताल हैं वहाँ पर भी व्यवस्था जो है पूरी कर ली गई है, तमाम सुविधाएं बढ़ाई गई है कि अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो फिर वहाँ भी लोगों के उपचार किए जा सके। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप, रांची।